आज का काम इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। और आपको पता है यहाँ पे आपको अर्निंग कितनी मिलती है? यहाँ पे जो अर्निंग है ना, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40,000 नहीं, 50,000 भी नहीं है, कितनी है? 84,000 रुपीज़। हैरान हो गए ना? एक काम करके आप लोग यहाँ से जो है 84,000 अर्न कर सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स? मेरी बातों पे आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिर्फ एक काम के, मैं ना 24 घंटों की बात कर रही हूँ, ना हफ्ते की बात कर रही हूँ, ना महीने की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक काम के यहाँ से आपको 84,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा हो गए, छोड़ें, कम करते हैं, इस तरह से अगर आप 2 से 3 काम भी कर लेते हैं तो आप खुद ही अपनी जो अर्निंग है कैलकुलेट करने, कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी अर्निंग होगी जो आप घर बैठ के ही कर सकते हैं। घर बैठे आपको इतनी ज़बरदस्त सी अर्निंग हो रही है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीखना है, कमाना है पैसे, तो चलो मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं हुनाश, यूट्यूब की दुनिया में खुश आमदीद। व्यूअर्स, हमेशा से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन ज़बरदस्त ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो सर्च करना मेरा काम है। तो आज भी एक आउट क्लास ऑथेंटिक सा इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसका अगर आप नाम सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग देता है। नाम क्या है? नाम है गूगल। जी, 2023 से एआई का दौर है, जहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर्स जो आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर गूगल जो है वो क्यों पीछे रहे? गूगल तो भाई बादशाह है ना, इंटरनेट का स्टार्ट से ही है। तो इस वजह से ही अब गूगल भी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है इस हवाले से, इस काम को लेके। तो अब अगर हम यहाँ पे काम करते हैं तो वेरीफाई काम होगा, ज़बरदस्त काम होगा, मतलब गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे काम करना है, गूगल से कमाना है, गूगल पे अर्निंग है, पैसे भी गूगल देगा। आउट क्लास हो गया ना, ज़बरदस्त इजी काम है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, अगर फॉलो करते हैं तो यह काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आपने अपने मोबाइल पर भी ये पूरा का पूरा प्रोसीजर करना है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने डेस्कटॉप व्यू होता है ना, उसको ओपन कर लेना है, बाकी आपको व्यू जो है एज अ लैपटॉप का ही मिलेगा, ठीक हो गया। गूगल में आते ही हम टाइप करेंगे जी उस वेबसाइट का नाम, गूगल बॉट जी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है भाई, ये जो है जिस तरीके से हम लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं या बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म, बहुत सारे वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो अब ये जो है ये गूगल की तरफ से एक बेस्ट और ज़बरदस्त सा हम लोगों को जो है ना एक AI समझ लें टूल ही मिल रहा है, उसी तरीके का टूल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ये इतना फास्ट है, इतना फास्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ, सिर्फ सिंपली आप एक वर्ड यहाँ पर लिखते हैं ना, तो ये आपको उसकी हिस्ट्री मतलब उसका पूरा का पूरा आर्टिकल लिख के दे देगा, जिसको आप आगे सेल करते हो, जिसको आप आगे देते हो, तो आपको उसके ज़बरदस्त से पैसे मिलते हैं, जो कि पैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। ये मैंने खोल लिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, और ताकि मटीरियल स्ट्रॉन्ग हो सके, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग आता है ट्राई बैंड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप्स हैं आप लोगों ने उसे क्लियर करना है, जैसे इसकी टर्म्स एंड पॉलिसी है मोड कर दें, उसके बाद कॉन्फ़िगर सेटिंग है मोड कर दें, उसके बाद नो थैंक्स सब सारी चीज़ें हैं उसको भी आपने मोड करना है, और यहाँ पर लास्ट स्टेप आता है थिंग्स टू नो, इसको भी मोड करना है, यानी कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मोड करने के बाद लास्ट में आई एग्री बिल्कुल मंजूर है क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं ना यहाँ पर अकाउंट बनाने का मसला है, ना यहाँ पर आप लोगों को ई मेल वगैरह डालने का, साइन अप करने का, साइन इन होने का इशू, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सिंपली ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना है, तो क्या होगा, ये आपका बिल्कुल यूजफुल हो जाएगा, अब आप इसे भरपूर तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आप जो वर्ड, वो जो चीज़ यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं, जिसके बारे में इससे बात पूछना चाहते हैं, विद इन अ सेकेंड आपको बताता है। तो आप देखें, सपोज करें यहाँ पर कोई भी एक सवाल है मेरे दिमाग में, जैसे व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिखा मैंने, यहाँ पे जो डेटा क्रिएट होता है ना, जनरेट होता है ना, तो उस पर ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम आने का मसला नहीं होता, क्योंकि ये एक यूनिक और ज़बरदस्त है डेटा हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ये ले लिया, इस तरीके से ये ज़बरदस्त आर्टिकल आ गया। आप लोगों को मैंने क्या कहा, सिर्फ आप दिमाग में एक चीज़ सोचते हैं, ये उस पर आपको पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख के दे देता है। अब इसी आर्टिकल की वैल्यू है, इसी आर्टिकल का काम है, इसी को यूज़ करना है, गूगल से लिया है ना, गूगल ही पे जाएंगे, गूगल ही पे सर्च करेंगे, गूगल ही पे सेट करेंगे, गूगल ही पे सेल करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ मैं दिखाऊंगी, तो आपको मेरे साथ रहना है। मुझे क्या करना है, सिंपली इसको मैंने यहाँ पे, ये मेरा मेन काम था कि ये मुझे एक आर्टिकल चाहिए था, मतलब मुझे क्लाइंट ने बोला कि मुझे इसके बारे में लिख के दे दो, एक ऐसे लिख दो, एक असाइनमेंट लिख दो, तो मैंने ये किया। लिखने के बाद मैं क्या करती हूँ, इस पूरे डेटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर क्लिक किया,
उसको मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाऊंगी एक ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा टूल स्पिन बोर्ड। ठीक है, स्पिन बोर्ड आपको पता है ये क्या करता है, आपके मटेरियल को बिल्कुल यानी कि यूनिक बना देता है। सारे उसके जो अक्लेजी रम होता है या कोई भी इशू होता है तो ये उसको क्लियर करके आपको एक ज़बरदस्त सा डेटा देता है। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पर आप स्पिन बोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर पेस्ट टेस्ट है, तो यहाँ वहाँ से जो मैंने डेटा कॉपी किया था या जो पेस्ट टेस्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करके यहाँ पे मैंने सिंपली कर दिया टेस्ट। आप देख रहे हैं कि बाद यहाँ पे आप मुझे क्या करना है, ये जो बेसिक स्पिन है ना सारा कमाल इसका है, इसको मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे विद इन अ सेकंड थोड़े से टाइम के बाद आपको ये इतना आउट क्लास ज़बरदस्त सा डेटा प्रोवाइड करेगा ना कि आप सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये कोई चीज़ हमने कहीं से उठाई है और वहाँ तक पहुँचाई है, क्योंकि पूरे सेंटेंस को रीअरेंज कर देता है, सेटिंग को चेंज कर देता है। तो बहुत ज़बरदस्त सा टूल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया। अब मुझे क्या है यही वाला डेटा, पहले वाला डेटा नहीं, ये वाला जो डेटा है इसको यहाँ पे ये कोने में आपको बटन नजर आ रहा है कॉपी का, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आ जाते हैं गूगल डॉक्स में, DOCS। ठीक है, गूगल डॉक्स में आएंगे और इसे रीअरेंज करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे। बता रही हूँ जो लोग मोबाइल पे यूज़ करेंगे, रिमेंबर जो लोग मोबाइल पे यूज़ करेंगे तो मोबाइल पे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन है उसको जाके डाउनलोड करना है और सिंपली ये वाला सारा काम वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोबाइल पे करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं जैसे आई, आप आएंगे गूगल की तरफ से हमें फ्री मिलता है गूगल डॉक्स, यहाँ पे आए तो ये ब्लैंक जो पेज है इसको ले लिया, जो मैंने स्पिन बोर्ड से डेटा जो है यूनिक डेटा लिया है। अब मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगी, ये चेक कर लें। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लाने का मकसद क्या है इसको, ठीक है, अब मैं इसकी सेटिंग करूँगी। सबसे पहले तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको हटाते हैं और अब यहाँ पे मैं मेन एक हेडिंग दे दूँगी, टाइटल दे दूँगी, क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब जाहिर सी बात है हेडिंग है तो हेडिंग को थोड़ा सा लगना चाहिए कि हेडिंग है, तो मैं क्या करूँगी इसको बोल्ड करूँगी, इसकी फॉन्ट जो है साइज़ बढ़ा दूँगी। ठीक है, उसको मैं कोशिश करूँगी कि ये ना यहाँ पे मेरे पास सेंटर पे आ जाए पूरा का पूरा डेटा, क्योंकि सेंटर पे बड़ा अच्छा लगता है ये। और इसको फिर हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, क्या चेंजिंग करनी है, यहाँ से आप लोग कलर वगैरह जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये मैं सुरेख कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस मिलते हैं सब सारी चीज़ें आप लोगों ने ख़त्म कर लेनी है। ख़त्म करने के बाद ये इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल ओके करके परफेक्ट करके बना देना है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इस पर क्योंकि ये प्लेजरिज्म फ्री है। अब ये बन गया ना ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा डेटा, अब मुझे क्या करना है। ठीक है, ये देखें इसको भी मैं फाइल में आने के बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन जी डाउनलोड का। ठीक है, डाउनलोड में आके मुझे इसे करना है जी PDF। ठीक है, PDF डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसे करूँगी तो विद इन अ सेकेंड में ही एक PDF ज़बरदस्त सा डॉक्यूमेंट्स बन के ना मेरे पास आ जाएगा। जिन लोगों को PDF नहीं बनाना आता तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल वो भी सिखा दिया है, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ उसके रिजल्ट्स। ये जैसे ही मेरे पास यहाँ देखें ये अपलोड हो गया। अब मुझे इसको अपने नाम के साथ सेव कर लेना है। ये देखें इस तरीके से ज़बरदस्त सा डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी प्लेजरिज्म, विदाउट एनी कॉपीराइट क्लेम, कोई इसमें मसला नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इसे अभी इजीली जो है जाके जो है आराम से सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके जो है इसको जो है सेव करेंगे आप लोग। ठीक है, सेव अपने नाम से कर लें, किसी भी नाम से कर लें और वहाँ पर आप लोगों ने इसको जाके अब ये सारा काम आपने सीख, अपने गूगल बॉल को यूज़ करना सीख लिया, आपने वहाँ से डेटा क्रिएट करवाना सीख लिया, सब कुछ करवाना सीख लिया। अब आपने क्या करना है, डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, इस डेटा से पैसे कैसे मिलेंगे, क्या करना है, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है। तो आप आ जाएंगे एक जबरदस्त सी वेबसाइट है जिसका नाम है जी फ्रीलांसर्स, FREELANCERS, फ्रीलांसर्स। जैसे आप यहां पर आते हैं तो एक जबरदस्त सा डैशबोर्ड है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने सिंपली यहां पर अर्न मनी जो है फ्रीलांसिंग इसको क्लिक करें, अपने ईमेल और वगैरह जो है दे सकते हैं। फिलहाल में से जो है ये देख सकते हैं, यहाँ पर आए आप लोगों ने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज को आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, आप क्या लिखूंगी, राइटिंग, सिंपली मैं यहाँ पर राइटिंग लिखूंगी तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे आई ये देखें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर, सब कुछ, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये राइटिंग करके क्या है, यानी कि इस तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों से ये कितने सारे पैसे आप लोगों से ये चार्ज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इस गिग को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेती हूँ तो 297 को अगर मैं 286 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 84,000 समथिंग रुपीज़ बनते हैं। मतलब कि हो गया ना कि एक काम करने के मुझे यहाँ से 84,000 मिल रहे हैं। तो इस तरह के अगर आप दिन में बैठे हुए बहुत सारे काम कर लेते हैं तो कितनी खास, कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन अर्निंग आपको मिल रही है। तो टाइम को वेस्ट मत करें, इन प्लेटफॉर्म पे आके काम करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको देते हैं। ठीक है, आप न्यू हैं तो थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन देंगे ज़रूर, इतना कन्फर्म है, और आपको पेमेंट भी आपके हाथ में मिलेगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा जो है सा जो काम है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।